नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी मेकर डॉट 99 में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़। जैसे कि बहुत से आपको बड़े बड़े सवाल करने पड़ते हैं, लेकिन उसमें एक बीच में छोटा सा पॉइंट आ जाता है कि एक भिन्न बन जाती है समीकरण जैसे, उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो अगर आपको भिन्न का जोड़ सीखना है तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, और अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो आपको कभी भी भिन्न के जोड़ने में दिक्कत कहीं नहीं आने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले दो संख्या दिख रही होगी बटे के अंदर, जैसे कि 4/3। तो आपको बता दूं कि ऊपर की संख्या को बोला जाता है अंश। क्या बोला जाता है? अंश। नीचे वाली संख्या को बोला जाता है हर। अंश और हर दो आपको याद रखने हैं। तो आपको दो संख्या दिख रही है 4/3 और 5/2, इनके भिन्न के रूप में है, तो इनको आपको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको संख्या है, नीचे जो संख्या दिख रही है 3 और 2, इन दोनों को लेना है आपको एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, सभी लोगों को आता है, जिसको नहीं आता है उसको सीख लीजिएगा। जैसे कि एलसीएम में सबसे पहले छोटी संख्या देखनी पड़ती है कि 2 है, तो 2 से आप उसको काटेंगे, तो 3 तो कटेगा नहीं, तो सेम लिखे जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर आप 2 कट गया तो फिर 3 से काटेंगे तो 1, यानी कि 3 और 6, यानी कि दोनों का कर देंगे आप इनटू, तो आपका 6 एलसीएम आ जाएगा। ये आप सिंपल तरीके से ऐसे भी निकाल सकते थे, 2 × 3 करके 6 आपका 6 एलसीएम आ जाता। तो आप किसी भी प्रकार से निकाल रहे हैं, एलसीएम बिल्कुल सिंपल आपको निकालना आता है। आपको क्या करना है कि एलसीएम आपका है कि 6। अब आपको क्या करना है कि जो हर संख्या है, हर है यानी कि 3 है, उसको आपको नीचे संख्या वाली में इसमें देना पड़ता है भाग, यानी कि पहले इसका भाग देंगे, फिर जो आएगा उसका आपका ऊपर वाली हर अंश में कर देंगे गुणा, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। जैसे कि 3 का भाग आप 6 में देंगे तो 3 × 2 = 6 कितनी बार जाएगा? 2 बार। जो 2 आया उसको आपको गुणा करना है हर अंश से, तो 4 × 2 होता है आपका 8, यानी कि 8 का यहाँ पे आ जाएगा। प्लस का लगेगा चिन्ह, क्योंकि बीच में आपका प्लस का लगा है चिन्ह। अब आपको वही संख्या जो प्रोसेस इसमें की ही वही करना है इसमें। 2 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा? 2 × 2, 2 × 4, 2 × 3 = 6, यानी कि 3 बार आपका जाएगा। 3 जो निकल के आया उसका करना है आपको अंश में गुणा, तो 3 × 5 बनता है आपका 15, कितना होता है आपका 15। अब आपको ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है, 8 और 15 कितना होता है आपका? होता है 23। नीचे कितना है आपका? 6, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, 23/6 आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर आपने भिन्न का जोड़ बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखा है और आपको समझ में आया है, तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।